फ्रेंड, दिस इज एन केयर द मैथमेटिक्स कोच और आज हम लेके आए हैं सेकंड पार्ट हमारा। जब हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, मैट्रिक्स सिस्टम के बारे में पढ़ा था, बेसिक एक्सरसाइज हमने की थी उसकी, बेसिक सिस्टम उसकी प्रॉपर्टीज और कुछ टाइप्स वगैरह हमने रीड किए थे, चेक किया था। अभी देखते हैं एक्सरसाइज 3.1। सिंपल सी एक्सरसाइज है, हम किसी भी एक्सरसाइज में 2-4-5 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लेंगे और ज्यादा कुछ नहीं करना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, सीधा हम एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इसने आपसे पूछा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कि आपको पता है कि ऑर्डर किसको बोलते हैं, रो इनटू कॉलम को। तो इसमें आप रो काउंट करोगे 1, 2, 3, 3 रो है एंड 1, 2, 3 एंड 4 आपके पास कॉलम, तो आपका ऑर्डर बनेगा 3x4। इसके बाद आपको इसने पूछा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते थे, जब रो और कॉलम को हम सोल्व कर देते हैं यानी 3 × 4 करेंगे तो क्या आएगा आपका 12। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है राइट द एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स की वैल्यू बतानी है। तो ये ए 1, 3 का मतलब रो फर्स्ट कॉलम थर्ड, तो रो फर्स्ट कॉलम थर्ड ये वाला आपका एलिमेंट होगा 19। 2, 1 रो सेकंड कॉलम फर्स्ट, तो ये वाला आपका एलिमेंट होगा 3, 5। 3, 3 रो थर्ड कॉलम भी थर्ड, ये एलिमेंट होगा आपका माइनस का 5। उसके बाद 2, 4 रो आपकी सेकंड कॉलम आपका फोर्थ, तो ये होगा आपके पास 12। उसके बाद 2, 3 सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट होगा आपके पास 5/2। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं आपसे, ऑर्डर एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स और प्रॉपर पोजीशनिंग के बारे में पूछ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देगा आपको कि आपको इसने एलिमेंट्स दे दिए, उसकी वजह से आपको बताना है कि इसमें कितने आपके पास पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2, इस प्रकार से क्वेश्चन हो सकता है टोटल एलिमेंट्स इसमें आपको गिवन दे दी 24 टू फाइंड द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा टोटल एलिमेंट्स वो होता है अपना रो इनटू कॉलम को बोलते हैं ऑर्डर। तो यहां पर आपको सामान्य बुद्धि का प्रयोग करना है, टोटल एलिमेंट आपके पास 24 है, हमें यहां मल्टीपल सिस्टम लेके आना है और वो हमारा होगा ऑर्डर। तो आप 24 को क्या क्या लिख सकते हो मल्टीपल में, आप लिख सकते हो 24 × 1, 12 × 2, 8 × 3, 6 × 4, बाकी इनके अपोजिट 1 × 24, 2 × 12, 3 × 8, 4 × 6, तो ये वाले आपके होंगे पॉसिबल ऑर्डर्स। ये क्या होंगे आपके पॉसिबल ऑर्डर्स, तो इनको आप देखो पॉसिबल ऑर्डर। ये क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है, इसकी बजाय आपको दे देगा 13 × 1, 1 × 13, इसके बजाय आपको दे सकता 5, 1 × 5, 5 × 1, इसके बजाय आपको दे सकता 18, उसी प्रकार आप 18 के फैक्टराइज कर लोगे तो ये आपका बन जाएगा पॉसिबल ऑर्डर्स। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, ये सिर्फ 5 सेकंड 10 सेकंड क्वेश्चन है टाइम टेकन। इसके बाद आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, ये आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन कुछ इस टाइप का मिलेगा कि टू कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, आपको कोई भी ऑर्डर गिवन मिलेगा, फॉर एग्जांपल 2x2 का बोल देगा और प्रिंसिपल नोटेशन दे देगा इसकी aij i + j² / 2, इसकी बजाय आपको कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो सकती है। अगर ये वाली स्टेटमेंट है तो इसका यूज करेंगे, अगर अदरवाइज दूसरी स्टेटमेंट है दूसरी का यूज करेंगे। तो यहां पर आपको समझने की चीज ये कि अपने पास ऑर्डर क्या है। लेट आप कोई भी क्वेश्चन करो, बड़ा इजी है, किसी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर ए से डिनोट करेंगे, एक मैट्रिक्स की कंस्ट्रक्शन करेंगे, 2x2 का मतलब है कि रो भी 2 लेनी है और कॉलम भी 2, तो आप लिखोगे फर्स्ट रो इसके बाद सेकंड रो, हमारी रो कंप्लीट हो चुके कॉलम फर्स्ट कॉलम और ये वाला सेकंड। लेकिन प्रॉपर मैट्रिक्स के अरेंजमेंट क्या होती है, जितने ऊपर एलिमेंट उतने ही नीचे, तो इसको आप कंप्लीट करोगे। इसके बाद इनकी पोजीशनिंग दोगे आप, ये फर्स्ट रो है और ये वाली सेकंड रो है, अब कॉलम ये फर्स्ट कॉलम है ये वाला सेकंड। मैं आपको सबसे इजीएस्ट मेथड करवा रहा हूं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का। अब हमें क्या करना है, इन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वैल्यू कहां से आएगी, यहां से आएगी जो हमें गिवन है सिस्टम ए आई जे
आई प्लस जे का स्क्वायर बाई टू। मैं आपको पहले बता सकता हूँ इसकी कोई और स्टेटमेंट हो सकती है। तो सभी एलिमेंट निकालेंगे हम, ए वन वन आई किस का भी वन पुट करना, जे किस का भी वन पुट करना है, वन प्लस वन का स्क्वायर बाई में टू, फोर बाई टू करोगे तो टू। इसके बाद वन टू आई किस का वन, जे किस का टू बाई, ये आपका नाइन बाई टू होगा। इसके बाद आप निकालोगे टू वन टू प्लस वन का स्क्वायर बाई में टू, बस वैल्यू पुट करनी है नाइन बाई टू। इसके बाद आप एलिमेंट निकालोगे टू टू, तो क्या करोगे टू प्लस टू का स्क्वायर बाई टू, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन बाई टू करोगे तो एट। ये सभी वैल्यू अपने पास आ गई, सभी की सभी मैट्रिक्स के अंदर पुट कर दोगे आप। फर्स्ट पोजिशन आई थी अपने कितनी, टू नाइन बाई टू, नाइन बाई टू और एट, ये आपकी मैट्रिक्स है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है, इसकी बजाय नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा थ्री क्रॉस फोर, यानी आपको रो कितनी लेनी है थ्री और कॉलम कितने करने हैं फोर। इसी प्रकार इसकी जगह कोई और स्टेटमेंट आपको गिवन मिलेगी, उस स्टेटमेंट के अंदर सारे वैल्यू पुट करने, इसी प्रकार से न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी आपकी। सिंपल वैल्यू आ सकती है, फ्रैक्शन में आ सकती है, जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को इसके अंदर पुट करना, तो आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसके बाद वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेंगे कंपेरिजन मैट्रिक्स की, कंपेरेबल मैट्रिक्स की। थ्री पॉइंट वन के अंदर ही हम बात कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स में जैसे आपके पास एक क्वेश्चन है, इसने गिवन दिया है एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दे दी इसने फोर थ्री फाइव और एक्स, और राइट हैंड साइड में दे दी इसने वाई जेड वन फाइव, वाई जेड वन और फाइव। तो इसमें भी क्या, इसका ऑर्डर भी टू क्रॉस टू का है, इसका ऑर्डर भी टू क्रॉस टू का, और इक्वलिटी में दे रखी है, तो हम इनको कंपैरिजन कर सकते हैं। तो कंपैरिजन करोगे फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, तो y की वैल्यू कितनी होगी फोर, इधर ये z है, ये z किसके बराबर होगा थ्री के, इधर ये x बराबर हो जाएगा वन के, और फाइव फाइव के बराबर है आपका। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, मल्टीपल चॉइस यानी ऑप्शनल क्वेश्चन मिलेगा, उसके अंदर आपको सिंपल सी वैल्यू बतानी है, ऑप्शन मिलेंगे, जो भी इनसे मैच करेगा उसी को आप टिक कर दोगे तो आपका वन मार्क्स क्वेश्चन कम्प्लीट हो जाएगा। इसी प्रकार कोई और क्वेश्चन आपके पास हो सकते हैं, उनको भी कंपेयर करना और उसके बाद वैल्यू निकालनी है। एग्जाम्पल के तौर पे आप क्वेश्चन ले सकते हो, इसी का एक और पार्ट है ये क्वेश्चन आपका, इधर इसने एलिमेंट दे दिया x प्लस वाई और टू फाइव प्लस जेड एक्स इंटू वाई, और इक्वल में एक मैट्रिक्स दे दी इसमें सिक्स टू फाइव और एट। देखिए क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, आप लिख हुए दीज टू मैट्रिक्स आर कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो कंपेयर करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट एक्स प्लस वाई इक्वल टू सिक्स होगा, टू टू के इक्वल है, और ये वाला आपका फाइव प्लस जेड इक्वल टू फाइव के इक्वल, तो फाइव फाइव से कैंसिल, जेड की वैल्यू जीरो, और ये वाला है एक्स इंटू वाई इक्वल टू एट। तो एक्स और वाई में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, यहाँ से वैल्यू निकाल ली हमने वाई की सिक्स माइनस एक्स, और ये वाली वैल्यू यहाँ हम इसकी पुट कर देते हैं x इंटू में सिक्स माइनस एक्स इक्वल टू एट। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करो तो सिक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट, इनको दूसरी साइड लेके जाओगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के एट इक्वल टू जीरो, इसके फैक्टराइज करेंगे हम तो फैक्टर बनेंगे माइनस का फोर माइनस के टू प्लस के एट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करोगे एक्स माइनस फोर माइनस का टू एक्स माइनस फोर, तो यहाँ से दो वैल्यू आएगी आपकी एक्स की फोर और टू, इन दोनों को यहाँ पुट करोगे, जब x की वैल्यू टू पुट करोगे तो y की वैल्यू फोर आएगी, और जब x की वैल्यू फोर पुट करो तो y की वैल्यू टू। इस प्रकार से आप कोई भी सोल्यूशन कर सकते हैं विद इन सेकेंड्स, ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है, आप टाइम वही लोगे जब क्वेश्चन टाइम लेने वाले होंगे चार नंबर के या छह नंबर के, अदरवाइज आप फटाफट क्वेश्चन करोगे सोल्व करोगे। इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स में सिस्टम मिलेगा, कंपेयर करना आंसर निकालना, फटाफट क्वेश्चन आपके होंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, उसमें मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें ए बी ए बी सी डी यानी वेरिएबल चेंज कर देगा, तो क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपको। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपके पास 3.1 एक्सरसाइज के अंदर, ये जो सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल सिमिलर, उन पे हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उनकी प्रैक्टिस आप खुद करोगे, और जो ना आए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दे दिया इसने, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, एट्थ क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दे दी ए आई जे लिख के, और यहाँ दे दिया एम क्रॉस एन, और इसने बोल दिया इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होने के लिए क्या कंडीशन जरूरी है। तो हमें पता कि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होते हैं, रो और कॉलम इक्वल होते हैं, तो इसकी मेन कंडीशन मिलेगी कि एम और एन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तो इसका ऑप्शन नंबर थ्री आ जाएगा इसका। इसके बाद नाइन क्वेश्चन है, वैसे ही ऑप्शन टाइप जैसे मैंने आपको बोला, कंपेयर करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है।
इसके बाद एक टेंथ क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आसान सा है, तो मल्टीपल चॉइस। इसमें बोल दिया यू हैव ओनली टू एलिमेंट्स। टेंथ क्वेश्चन में बोल दिया यूज ओनली टू डिजिट, जीरो एंड वन, सिर्फ टू डिजिट का यूज करना है। एंड मे हाउ मैनी थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स मेड, कि 3x3 की कितनी मैट्रिक्स बनाई जा सकती है। ये क्वेश्चन मैट्रिक्स का है, लेकिन इसमें परमुटेशन का यूज इसने किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, जैसे हम परमुटेशन प्लस वन क्लास में यूज करते थे कि हमारे पास चॉइस टू है, लेकिन फिल अप करने के लिए जगह हमारे पास 9 है। 3x3 का मतलब है कि 3 रो होंगी, 1, 2, 3, और 3 कॉलम होंगे, 1, 2 और 3। इसी प्रकार से हम बोलेंगे इन 9 जगह पे हमें एलिमेंट्स फिल अप करने, और हमारे पास पोजीशन कितनी है, 2 पोजीशन। तो इसको आप कुछ क्वेश्चन को ऐसे देख सकते हैं, 9 पोजीशन को इसको आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। हमारे पास हर जगह चॉइस कितनी है, हमारे पास हर जगह चॉइस 2 है, 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी हमारे पास 9 जगह पे 2 एलिमेंट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 की पावर 9 आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 512। तो इस प्रकार से आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको रिटर्न करना है, बीच में सोल्व करने हैं, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, बीच में चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं 3। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्सरसाइज 3.2। तो 3.2 में क्या आपके पास, 3.2 एक्सरसाइज में जो आपका टॉपिक है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज में क्या चलेगा आपके पास, टॉपिक चलेगा ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स एंड सम यूजफुल प्रॉपर्टीज। तो ऑपरेशन का मतलब होता है कि मैट्रिक्स के ऊपर हम क्या क्या चीजें अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली मैथमेटिक्स में 4 ही ऑपरेशन होते हैं। हर चैप्टर के अंदर आप, हर एक्सरसाइज के अंदर, जितने भी चैप्टर आपके फर्स्ट टू लेके 15 तक या 13, जो भी आपके चैप्टर एनसीईआरटी में 13 है, एलिमेंट में 15 है, और आरडी शर्मा में और भी ज्यादा उनके पार्ट किए वो चैप्टर्स के, तो सभी के अंदर क्या पढ़ोगे आप, ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या होता है, हर चैप्टर में 4 ही ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के अंदर, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई और डिवीजन। लेकिन हर एक टॉपिक को ऐड करने का, सब्ट्रैक्ट करने का, या मल्टीप्लाई या डिवाइड करने का एक तरीका होता है, उसी को हम पढ़ते हैं, उसी को हम रीड करते हैं। और सम यूजफुल प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि कोई सिस्टम किन किन चीजों को अलाउड कर सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम नॉर्मल लाइफ में मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो किसी मोबाइल फोन में हम कितने लेवल की पीडीएफ या कितने लेवल की कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या चला सकते हैं, या कोई भी चीज़ है कि हमारा फोन या हमारे पास जो भी डिवाइस है वो किन किन चीजों को एप्लीकेबल मानती है, यानी कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते, उसको बोलते हैं उसकी प्रॉपर्टी। जैसे कोई कार है कि वो कितनी स्पीड तक जा सकती है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। और देखो इसके बाद हम पढ़ते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन आप मैट्रिक्स में 4 ही ऑपरेशन पढ़ोगे, जैसा अभी आपको बताया गया है। तो 4 ही ऑपरेशन होते हैं, एक होता है एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन, एक होता है मल्टीप्लीकेशन, एक होता है डिविजन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सेम प्रॉपर्टी होती है, सेम कंडीशन होती है, इनमें सिर्फ क्या होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, अदरवाइज ये नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन अलग है, डिवीजन की कंडीशन अलग है। यानी ऑपरेशन को 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्शन एक साथ पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई को अलग टाइप से पढ़ेंगे, डिवीजन को अलग टाइप से पढ़ेंगे। पहले सारे क्वेश्चन ऐड सब्ट्रैक्शन करें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे इसमें। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन मिलेगी, 1, 2, 3, 4 कुछ भी इस टाइप की, और एक मैट्रिक्स दे देगा आपको ये 6, 3, 2, 5, और वो आपको बोल देगा कि ए प्लस बी, दो मैट्रिक्स को ऐड कीजिए ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या, पहले मैट्रिक्स ए दे दी इसने 1, 2, 3, 4, फिर मैट्रिक्स बी दे दी 6, 3, 2, 5। इसको ज्यादा लपेटने की जरूरत नहीं कि मैं आपको ज्यादा ज्ञान फेंकने की कोशिश करूं। सिंपल सा वर्किंग रूल है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ, फिफ्थ को फोर्थ को फोर्थ के साथ, ऐसे सोल्व करोगे आप। ऐड करोगे कितना होगा आपके पास 7, ये होगा 5 और ये भी 5 होगा आपके पास, और ये कितना हो जाएगा आपका 9। इसी प्रकार आप ऐड कर सकते हैं। अगर इसी की बजाय ऐड की बजाय क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन, ऐड की बजाय क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो यही एलिमेंट्स को आप सोल्व करोगे और ये बनेगा माइनस का 5
माइनस वन और ये वन बनेगा और ये बनेगा माइनस वन, तो इस प्रकार से आप माइनस कर सकते हैं। तो बड़ा इजी सा सिंपल सा सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को माइंड को क्लियर कर ले सारी चीजों को। अगर कोई आपको यही क्वेश्चन ऐसे बोले इसकी सिंपल सी प्रॉपर्टी किसी स्केलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई अगर करने, स्केलर का मतलब 1 2 3 4 7 कर सकते हैं। कोई बोल दे कि ए में 3 टाइम बी करो, ए में 3 टाइम बी, यानी कि मैट्रिक्स ए लिखेंगे 1 2 3 4, इसके बाद 3 टाइम बी यानी कि 3 × b 6 3 2 5। तो इसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है जो 3 है पहले अंदर जाएगा, अंदर जाकर के सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद क्या करना है ऐड करना। तो इतनी सिंपल सी चीज है, आप 12th क्लास में फटाफट आप कर सकते हो। अगर इसकी बजाय माइनस बोल दे तो माइनस कर देंगे, लेकिन जब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होती है उसका कंसेप्ट अलग है, अभी 2 मिनट के बाद हम पढ़ते हैं। तो पहले एक बार करते हैं कि कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं मैथ के अंदर, आपके पास मैथ होगा तो आप मैथ में देखेंगे, तो आपके पास कोई भी मैथ हो सकता है जिसमें आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे, उनको ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना। इसने क्या किया है, एनसीईआरटी में क्या मिलेगा आपको, एनसीईआरटी में मिलेगा कि आपको एक एक्सरसाइज मिलेगी 3.2, उसके अंदर आपको एड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई तीनों चीजें एक साथ मिलेगी। लेकिन अगर आप एलिमेंट पढ़ते हो या आप एडिशन वगैरह करते हो तो उसमें क्या मिलेगा आपको, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की अलग एक्सरसाइज, मल्टीप्लाई की अलग एक्सरसाइज, सिर्फ आपकी ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो उसके इसलिए दी गई है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा दिया। इसमें 3 मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स ए बी और सी। तो फर्स्ट पार्ट है ए प्लस बी करना, आप कर सकते हो इजीली, है कि जो एलिमेंट जिस पोजीशन पे उसको उसी के साथ ऐड करोगे। फिर माइनस बोल दिया, और फिर मैंने अभी जो क्वेश्चन करवाया आपको ए प्लस 3b, इसने क्या दे दिया 3a माइनस सी, यानी ए मैट्रिक्स की 3 से मल्टीप्लाई करके सी उसमें से माइनस करोगे। उसके बाद दो पार्ट दिए इसने मल्टीप्लाई को, तो जैसे आपको बताया पहले, अभी सारे क्वेश्चन एक बार हम प्लस और माइनस से करते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई के करेंगे। कुछ क्वेश्चन इसने ऐसे दे दिए, एक क्वेश्चन दे दिया इसने ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और उसके बाद बोल दिया इसने बी स्केयर प्लस सी स्केयर, इधर क्वेश्चन दे दिया ए स्केयर प्लस सी स्केयर, और इसके बाद बोल दिया ए स्केयर प्लस बी स्केयर, और इसमें एक मैट्रिक्स अदर मैट्रिक्स है जो आपको ऐड करनी है, 2ab 2bc और माइनस का 2ac और माइनस का 2ab, इनको सोल्व करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ इसको आप सोल्व करोगे ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस में 2ab, अगले को बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस का 2bc, ये है आपके पास ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस का 2ac, और ये आपके पास आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। वैसे तो आपका आंसर है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ आइडेंटिटी बना रही है, ए स्केयर बी स्केयर 2ab, इसको आप लिखोगे ए प्लस बी का स्केयर, यानी आप इसको सोल्व कर दोगे, ये बी प्लस सी का स्केयर हो जाएगा आपका, और ये ए माइनस सी का स्केयर होगा, और ये ए माइनस बी का स्केयर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि कोई क्वेश्चन को लंबे चौड़े तरीके से करवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये वर्किंग रूल है, काम करना, काम किया खत्म किया। जितनी किसी क्वेश्चन की औकात है कि 2 नंबर की, आप उसको उतना ही टाइम दोगे, उससे ज्यादा आप उसको वैल्यू नहीं दोगे। इसके बाद इसके 3-4 पार्ट है इसी टाइप से, बस प्लस करने हैं, कुछ में माइनस करने तो आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका मल्टीप्लाई का, तो अभी आपको बताया कि एक बार क्वेश्चन 12th क्वेश्चन तक आपके क्या है, प्लस माइनस के क्वेश्चन है, पहले वो प्लस माइनस के क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई का सिस्टम सीखेंगे। बहुत ईजी है, बहुत बढ़िया काम आने वाला है इसमें से, इस चैप्टर में से जो 4th चैप्टर आपका मैट्रिक्स का, उसकी जो लास्ट एक्सरसाइज में से 6th नंबर का क्वेश्चन आना है, तो उसमें आपको क्या करना है, 6 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई भी होगी और कुछ प्लस माइनस भी होगा, वो सारी चीजें साथ साथ हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 4th क्वेश्चन, ये आपको खुद करने है, क्योंकि इसने क्या दिया है, इसने 3 मैट्रिक्स दे दी, एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है। तो इसने क्या बोले आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 मैट्रिक्स को ऐड कीजिए ए प्लस बी, कर सकते हो इजीली, और बी माइनस सी करना है, ये भी आप कर सकते हो। 5th क्वेश्चन में भी क्या दे दी, एक मैट्रिक्स दे दी इसने ए, एक मैट्रिक्स दे दी बी, तो इसने बोल दिया 3 टाइम ए माइनस में 5 टाइम बी, यानी मैट्रिक्स ए की पहले आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर मैट्रिक्स बी की आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, और उसके बाद आप इसको माइनस करोगे। नेक्स्ट है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, जो क्वेश्चन जिसमें छोटा सा भी अगर कोई कंसेप्ट यूज होगा तो मैं आपको करवाऊंगा। तो 6th क्वेश्चन इसने बोल दिया, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी अपने को जी, ये बोल दिया इसने cos थीटा, cos sin
माइनस का साइन और कोस, फिर इसमें प्लस करना है जी अपने को साइन। ट्रिग्नोमेट्री का नाम देखते ही बच्चों को पसंद आते हैं, तो इतना कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। जब ट्रिग्नोमेट्री आपको करवाएंगे तो पहले आपको प्लस वन की ट्रिग्नोमेट्री, टेंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद आपको ट्वेल्थ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री करवाएंगे बड़े इजी तरीके से, जितनी यूजेबल आपकी। इसके बाद कोस और साइन है, तो इससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। छह तो एलिमेंट है ट्रिग्नोमेट्री में, है क्या साइन कोस टेन सीकेंट कोसेकेंट और कोट, तो छह के छह चलने हैं और किसमें कुछ है नहीं। तो आप इसको पहले सोल्व करोगे जी, ये बनेगा आपका कोस स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई करोगे कोस थीटा इंटू में साइन थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे माइनस का साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कोस स्क्वायर थीटा। साइन को अंदर लेके चलोगे, ये साइन स्क्वायर है, ये माइनस का साइन इंटू कोस, मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसकी, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, ये बनेगा जी आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो इजी सी बात, अभी कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर को जोड़ोगे तो क्या बनेगा वन, ये वाली चीज प्लस की, ये वाली चीज सेम माइनस की, तो जीरो हो जाएगी। ये माइनस की है, ये प्लस की, ये भी क्या हो जाएगी जीरो। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर करोगे तो वन, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। और एक खास बात और है, इसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, दो क्रॉस दो के तो आई टू भी बोल सकते हैं इसको। तो ये आपका क्वेश्चन था सिक्स क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवंथ क्वेश्चन देख लें एक बार, और उसके बाद ट्वेल्थ क्वेश्चन तक सेम क्वेश्चन चलेंगे आपके, तो आपको कैसे करने की आप देख सकते हैं जी हाँ। तो सेवंथ क्वेश्चन में इसने गिवन दिया है कि आपके पास ये गिवन है, टू मैट्रिक्स का सम है, मैट्रिक्स एक्स प्लस में मैट्रिक्स वाई, ये दिया है 7 0 2 5, और ये नीचे बोल दिया एक्स माइनस वाई, ये दो मैट्रिक्स है 3 0 0 5। तो आपको इनकी वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे जैसे टेंथ क्लास में करते थे, इनको ऐड करेंगे, जैसे ही ऐड करोगे वाई कट जाएगा आपका, ये कितना बनेगा 2 times x, इनको ऐड करोगे ये 10, ये होगा 0, ये होगा आपका 2 और ये होगा आपका 5, और इधर 3 था जी आपके पास, वैसे 5 भी ले सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर आप जब मिलाओगे बुक में तो सर ने गलत क्वेश्चन उठा लिया, तो इसलिए इसको साफ कर दिया। ये 2 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी 1/2 10 0 2 8। तो इस 2 को जब अंदर लेके जाओगे तो ये बनेगा आपका 5 0 1 और 4, ये आपका आंसर होगा x का, ये किसकी वैल्यू होगी x की। इसी क्वेश्चन में जब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की, तो इसी क्वेश्चन को यहीं से सोल्व करेंगे, यहीं से कैसे सोल्व करेंगे, अब की बार क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होती है, माइनस का बन जाएगा प्लस का, यहाँ एक्स कटेगा, यहाँ कितना होगा 2 times y, अब ये माइनस करना है, ये कितना बचेगा 4 0, और ये 2 बचेगा, और 5 minus 3 करोगे तो 2। उसी प्रकार से जब 2 डिवाइड में चला जाएगा इनके तो 2 0 1 1, ये आपका वाई के आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, बल्कि दूसरे मैथ में तो आपको इस प्रकार से लगभग 10 के करीब क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, तो इसको क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन मिलेगा जी जो एग्जाम में आते हैं, इसके बाद 7th 8th 9th क्वेश्चन कुछ एक जैसे हैं, तो अभी मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्योंकि 12th तक सेम क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन आपका है, मैं रेंडमली क्वेश्चन करवा रहा हूं, जो सेम टाइप के क्वेश्चन है, 2 3 4 5 क्वेश्चन है, वो सेम टाइप की आपकी प्रैक्टिस खुद करनी है। तो 10th क्वेश्चन आपको मिलेगा, ये गिवन है जी अपने पास 2 times x z y और t प्लस में 3 times 1 minus 1 0 और 2 समथिंग, और इसके बाद देखिए 3 times 3 4 5 0, ये 6 है। तो इसको सोल्व करते हैं जी, पहले सोल्व करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आपको समझ में आएगा कंसेप्ट तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको सोल्व करोगे आप 2x, इसकी मल्टीप्लाई करो प्लस में 3, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2z और ये होगा माइनस का 3, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2y प्लस 0, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 2t और प्लस में 6,
इक्वल टू में थ्री को अंदर लेके जाओगे 9, 15, 12 और 18। अब इनको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, यानी कि 2x + 3 = 9, तो 2x, 3 उधर जाएगा तो माइनस का, और 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 3। इसके बाद इसको सॉल्व करोगे 2z - 3 = 15, ये उधर जाएगा तो आपका 18, और डिवाइड करोगे तो 9। इसी प्रकार से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, इसी प्रकार से आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये कंसेप्ट था जी हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर। तो किन्हीं भी दो मैट्रिक्स या दो से ज्यादा मैट्रिक्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन इस प्रकार से कर सकते हैं। इससे ज्यादा क्वेश्चन कोई नहीं आएगा आपका एग्जाम में, मैक्सिमम 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर। इसके बाद हम कंसेप्ट पढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन में, कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन का, तो 12th क्वेश्चन तक आपको मिलेंगे इस टाइप से। इसके बाद क्वेश्चन आपके मल्टीप्लाई का, तो देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, की किसी मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये छोटा सा एग्जाम्पल है कि दो मैट्रिक्स को हम लेकर चलते हैं, उसकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसकी जो मेन कंडीशन है, उस कंडीशन को हम मैथमेटिकल तौर पर पढ़ेंगे और डायरेक्ट तरीके से ही पढ़ेंगे कि एक्चुअल में उसका मतलब क्या है। तो पहले डायरेक्ट देखो, इसका हम ऑर्डर लिखेंगे 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर भी कितना है 2 क्रॉस 2। देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें क्या है, कंडीशन है कि ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर सेम होना चाहिए। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर सेम हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, इसकी एक दूसरी कंडीशन। अगर वो सेटिस्फाई करता है तो चाहे ऑर्डर सेम ना भी हो। कंडीशन ये है कि जो इनकी नियरेस्ट वैल्यू है ऑर्डर की, जो नियरेस्ट वैल्यू जो क्लोज लगती है, जैसे ये वाली चीज लास्ट वाली और उसकी पहले वाली क्लोज लगती है, ये वाली सेम होनी चाहिए। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में बोल रहे हैं तो फर्स्ट का कॉलम और सेकंड की रो इक्वल होनी चाहिए। कंडीशन ऐसा क्यों है, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में रो की मल्टीप्लाई कॉलम से होती है, तो इसलिए पहले के कॉलम और दूसरे की रो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है जी, इसकी रो और इसका कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई होगी। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, उसके बाद फटाफट हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जल्दी 2 मिनट के अंदर। रो की मल्टीप्लाई करेंगे कॉलम से, तो इसकी मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगी, तो इसकी 1 की 3 से 3, फिर बीच में जो होगा मिडल में जो साइन आएगा प्लस का साइन आएगा, तो 2 की 1 से करोगे तो कितना होगा 2। अगर इनमें से कोई एक माइनस का होता था माइनस बन जाता। अब इस कॉलम इस रो की मल्टीप्लाई अगले कॉलम, कब तक, जब तक कॉलम अवेलेबल है तब तक, तो इसकी आगे मल्टीप्लाई करेंगे इसकी अगले के साथ, तो कितना होगा ये 2, 8। कॉलम समाप्त। अब इस रो की बारी, इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से करोगे, ये होगा आपका 12 - 6, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 8 - 24। इसको आप सोल्व कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा, ये कितना होगा आपका 5, 10, 6 और -16। यहाँ आपको ऑर्डर बच गया जी 2 क्रॉस 2 का। आप बोलोगे सर ये वाली चीज तो यूज कर ली, जो बाकी बच गया, ये बाकी हमारा आंसर होता है, यानी कि इस ऑर्डर का हमें आंसर बचेगा 2 क्रॉस 2 का। हम कोई और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी क्वेश्चन हो सकता है 1, 3, 2, 5, कोई भी, इनका ऑर्डर सेम नहीं, इसका ऑर्डर क्या 2 क्रॉस 2 का है, इसकी रो 2 कॉलम 3, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर क्या बचेगा हमारे पास 2 क्रॉस 3 का डायरेक्टली। तो कैसे करेंगे हम इसको सोल्व, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, तो कितना होगा ये 1 + 6, इसकी आगे तो कितना होगा ये 4 + 18, इसकी मल्टीप्लाई आगे करोगे 3, 6, कॉलम समाप्त। नेक्स्ट रो, इस रो की मल्टीप्लाई तीनों के साथ एक एक करके, इसकी इसके साथ 2 + 10, इसकी मल्टीप्लाई 8 + 13, इसकी मल्टीप्लाई करोगे 6 + 10, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। और क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, इनकी प्रैक्टिस भी आपको ऐसे ही करनी स्पीड में, जितना मैथमेटिक्स को आप स्पीड में पढ़ोगे उतना ही ज्यादा आपके लिए इजी होगा। ये 2 मैट्रिक्स दे दी, देखने में बिल्कुल अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग, कुछ भी इनका मैच नहीं कर रहा, तो क्या इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, देखते हैं। रो 1 है, कॉलम 3 है,
इसमें रो थ्री कॉलम वन, जी हाँ मल्टीप्लाई हो सकती है। आंसर क्या मिलेगा, वन क्रॉस वन, यानी कि वन वर्ड क्वेश्चन मिलेगा हमें। कैसे, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, तो कितना बनेगा ये, टू प्लस सिक्स ट्वेल्व, ठीक है जी, आपका आंसर आएगा ट्वेंटी, वन क्रॉस वन, तो आपका आंसर इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन रिपीट हो लेकिन अलग तरीके से, देखिए दो क्वेश्चन में कितना चेंज आ सकता है, अगर यही चीज आपको गिवन मिले टू थ्री फोर और यहाँ मिल जाए वन टू थ्री, क्या इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है, देखते हैं, रो थ्री कॉलम वन, रो वन कॉलम थ्री, तो मल्टीप्लाई तो होगी और आंसर क्या मिलेगा, थ्री क्रॉस थ्री। देख लीजिए सिर्फ मैट्रिक्स को हमने चेंज किया तो कितना अंतर आएगा, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से टू, इस रो की मल्टीप्लाई अगले कॉलम से, इसके अगले कॉलम से सिक्स, इसके बाद इसकी करोगे थ्री, इस रो की अगले कॉलम से सिक्स नाइन, इसकी सॉल्व करोगे तो फोर एट और ट्वेल्व, ये आपके पास आंसर होगा थ्री क्रॉस थ्री का। तो इस प्रकार से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि क्या जब दो से ज्यादा मैट्रिक्स हो, आप बोलो क्वेश्चन कि सर यहाँ तो सिर्फ दो मैट्रिक्स है, अगर दो से ज्यादा मैट्रिक्स हो तो उनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो उनकी मल्टीप्लाई भी इजी है, बड़ा आसान सा तरीका है। फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक्स दोगे वन टू थ्री फोर, इधर एक मैट्रिक्स देते वन थ्री फोर माइनस फाइव, एक और मैट्रिक्स देते वन सिक्स थ्री टू, कैसे भी करके, तो आपके पास चॉइस है, आप पहले इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आएगा उसकी उसके साथ, या फिर आपके पास तरीका पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे जो आंसर आएगा पहले के साथ, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले की थर्ड के साथ कर देंगे। तो मैट्रिक्स में ध्यान रखना है, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए इंटू बी और इसी मैट्रिक्स की बी इंटू ए करेंगे तो इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, वो डिपेंड करता है कि उसने मैट्रिक्स कैसी बनाई है। हो सकता दोनों मैट्रिक्स ऐसी दे दे कि ए की बी से कर लो मल्टीप्लाई या बी की ए के साथ कर सकते हैं, इक्वल आ जाता है, और कई बार इक्वल नहीं भी आता है, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि इक्वल नहीं आएगा, या ये भी जरूरी नहीं है कि इक्वल आएगा, तो मैट्रिक्स में ऐसी संभावनाएं हैं दोनों के दोनों, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या मिल सकता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपको मिल सकता है कि कोई मैट्रिक्स दे देगा ए वन टू फाइव सेवन, किसी भी ऑर्डर की दे सकता है, दो क्रॉस दो की, हाँ तीन क्रॉस तीन ही मिल सकता है, और बोल दिया फाइंड आउट कीजिए ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस में सिक्स आइडेंटिटी, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इसमें क्या करना है, ए स्क्वायर का मीनिंग होता है, ए स्क्वायर का मीनिंग है ए इंटू ए, यानी कि पहले ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए के साथ ही करते हैं, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पुट करेंगे, फाइव इंटू ए, ए हमारे पास है वन टू फाइव सेवन सिक्स आइडेंटिटी, अगर टू क्रॉस टू की एलिमेंट चल रही है आपकी मैट्रिक्स चल रही है तो आप टू क्रॉस टू की यूज करोगे, थ्री क्रॉस थ्री की तो थ्री क्रॉस थ्री की, फाइव को अंदर लेके जाएंगे सिक्स को अंदर, और जैसे हमने प्लस माइनस किया था वैसे सोल्व करेंगे, इसकी बजाय कोई और भी स्टेटमेंट आपको हो सकती है। तो ये वाले क्वेश्चन देखिए हमारे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के, इसके बाद एक नए टॉपिक के साथ आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्यूब्स, मैट्रिक्स मैट्रिक्स, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, क्योंकि जो सिक्स मार्क्स का आपका क्वेश्चन आना है उसमें ट्रांसपोज का बहुत ज्यादा यूज होगा, मल्टीप्लाई और एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको सिखा दिया गया है, इनकी आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जो भी क्वेश्चन में आपकी दिक्कत है वो दिक्कत आप लेके आएंगे और आपको फटाफट उनका सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन एक बात की ध्यान आपको रखना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि इस चैप्टर को या इन टॉपिक्स को या मैथमेटिक्स को आपको स्पीड में ही रीड करना है, जितना ज्यादा आप स्पीड में काम करेंगे आपका दिमाग उतना ही शार्प होगा, उतना ही आपकी कैचिंग पावर बनेगी, उतना ही आपकी सॉल्यूशन पावर बनेगी। अगर आप स्लोली बैठेंगे और धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे तो आपका दिमाग भी वैसे ही स्लो चलेगा, तो इसलिए स्पेशली ध्यान रखें। हाँ अगर आपको कोई कंसेप्ट उठाना है, कोई टॉपिक पढ़ना है, कोई क्वेश्चन करके देखना है तो आप वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर सकते हैं साथ साथ। तो इसके लिए अब नेक्स्ट वीडियो आपका जो थर्ड पार्ट होगा उस पार्ट में आपको मैट्रिक्स के ट्रांसपोज सिस्टम और अनेक प्रॉपर्टीज हैं, जो बहुत सारी प्रॉपर्टी अभी भी आपने नहीं पढ़ी है, ये सिर्फ मैंने आपको वर्किंग रूल ही सिखाया है एक बार क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसके बाद वो कौन सी खास बात है मैट्रिक्स सिस्टम की, क्यों मैट्रिक्स सिस्टम को हमारे टेक्नोलॉजी सेक्टर में लेके आए, उन सबके ऊपर डिटेल में आपको जबरदस्त नॉलेज